हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान वी। एथर एनर्जी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों कि एथर एनर्जी एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर सकती है दोस्तों, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है रिश्ता। और जिस प्रोजेक्ट में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का बना रहा दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का नाम है डीजल। क्योंकि दोस्तों इस साल के शुरुआत में ही एथर एनर्जी के CEO तरुण मेहता ने एक अनाउंसमेंट किया था कि इस साल 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगी एथर कंपनी। और एथर की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हाल ही में लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है एथर 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। और इस 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग इतनी ज्यादा कर दी है दोस्तों कि हर कोई इस एथर एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी दूरी बना रही है और दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद रही है। अगर आप ज्यादा फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं तो आप एथर 450 एपेक्स की तरफ जा सकते हैं, या तो दूसरा फीचर्स भी है जैसे कि दूसरी कंपनी का भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ले सकते हैं। और दोस्तों एथर की तरफ से दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल की ये हो सकती है। बट दोस्तों इस डीजल प्रोजेक्ट में बनने वाली रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी के टाइम में बेंगलुरु रोड पे काफी टेस्टिंग कर रही है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ टाइम पहले इसका वीडियो भी आया था और कुछ फोटोज भी आया था बेंगलुरु रोड पे चलते हुए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो एथर 450 एपेक्स या तो एथर 450X या तो एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी अलग इसका डिजाइन बनाया गया है। बोले तो एक तरह से बिल्कुल ही इसका अलग डिजाइन बनाया गया है। अगर इसका डिजाइन कंपैरिजन करें तो दोस्तों जैसे कि TVS iQube या तो बजाज चेतक की तरह ही सेम लग रही है। क्योंकि दोस्तों इस रिश्ता नाम के इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिजाइन काफी अलग बनाई गई है। एथर सीरीज की जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उससे काफी अलग बनाई गई है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। और दोस्तों एथर एनर्जी की तरफ से आने वाले ये रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 115 किलोमीटर रेंज दी गई है। और इसके साथ में इसमें 2.9 किलोवाट का लिथियम आयन का बैटरी पैक लगाया गया है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी अच्छा और पावरफुल मिड ड्राइव मोटर लगाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस एथर फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लगभग 3 सवारी आराम से बैठ के जा सकते हैं। इसके कारण इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी अच्छा और बड़ा मोटर भी लगाया गया है। जैसे कि ओला S1 Pro Gen 2 में आने वाली मिड ड्राइव मोटर जो कि 11 किलोवाट की आती है, उसकी तरह सेम इसका भी पावर हो सकती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी अच्छे और फीचर्स भी एड किए गए हैं, जैसे कि एथर 450 एपेक्स या तो एथर 450X में आती है उसी की तरह सेम इसके अंदर भी फीचर्स ऐड किए गए हैं। और एथर एनर्जी की तरफ से आने वाले ये रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग दिसंबर 2024 तक भारतीय मार्केट में कंपनी लॉन्च कर सकती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग की लगभग आपको 130,000 से लेकर 150,000 रुपये तक कंपनी शुरुआती कीमत रख सकती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। जब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।